मस्कार न्यूज क्लिक पर इस नए शो इंडिया की बात के साथ मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हां वो शो जिसमें हम हफ्ते की तीन बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं और हर हफ्ते मेरे शो में मेरे साथ ही होंगे उर्मिलेश और भाषा आप दोनों का स्वागत है और आज जिन तीन बड़ी खबरों की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मुद्दा नंबर एक ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ मुद्दा नंबर दो राजद्रोह का धर्म संकट मोदी सरकार के सामने और मुद्दा नंबर तीन बुलडोजर की शर्मनाक राजनीति और हम शुरुआत करना चाहेंगे ऐतिहासिक धरोहरों की छेड़छाड़ के साथ जैसे कि आप जानते हैं हमारी तीन ऐतिहासिक धरोहर इस हफ्ते चर्चा में रही ताजमहल अदालत में एक याचिका पहुंची कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उन्हें खोला जाए जी हां कुछ लोग यह चाहते थे कि अगर नीचे शिव मंदिर के अवशेष मिल जाए तो ताजमहल के वजूद को ही खत्म कर दिया जाए अदालत ने फटकार लगा के उस याचिका को ही खारिज कर दिया दूसरा मुद्दा जो सामने उभर कर आया वो ये कि काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा और 17 मई को इसको लेकर जो है वो अपनी फाइंडिंग्स दी जाएंगी और मुद्दा नंबर तीन कुतुब मीनार के सामने लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और लोगों का मानना है कि यह दरअसल कुतुब मीनार नहीं है यह विष्णु स्तंभ है यानी कि अब कुतुब मीनार का अस्तित्व तो भी खतरे में है और इस मुद्दे की चर्चा करने के लिए जैसे मैंने कहा मेरे साथ दो खास मेहमान हैं सबसे पहले इस खबर का क्या है पंच सीधे रुक करते हैं हम उर्मिलेश का देखिए अभिसार मैं समझता हूं कि जो आपकी पहली खबर है पुरातात्विक महत्व के स्थलों को जिस तरह से उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके ढांचे को लेकर उनको एक तरह से ख़त्म करने को लेकर या कुछ और उसके ऊपर पेश करने को लेकर इसके मुख्य जो कारण हैं मैं समझता हूं कि ये जो भारत में इस वक्त पहाड़ सी मुसीबतें हैं पहाड़ सी जो समस्याएं हैं जनता की उनसे लोगों का ध्यान हट शुक्रिया और मिलेश और इस खबर का क्या है पंच? आइए रुक करते हैं भाषा का नजरिया जान अभिसार मेरा मानना है कि यह एक प्री डिजाइन मतलब पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसमें एक के बाद एक इस तरह के एजेंडे इस तरह से देश को तालिबान के उस दौर में ले जाने का अगर आपको मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि जिस तरह से 2001 में अफगानिस्तान में जो बामियान आ, में आ, बुद्ध की मूर्ति थी जिसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया था वो जो क्रूरता हुई थी तकरीबन उस क्रूरता की तरफ देश को ढकेलने की बहुत ही प्लैंड वे में साजिश है इसमें एक के बाद एक दूसरे किरदार आ रहे हैं ताजमहल को लेकर निशाना बनाया गया है ज्ञान व्यापी को लेकर पूरी तरह से राजनीति हो रही है और इसमें बाबरी मस्जिद को दोहराने की पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कुतुब मीनार जिस तरह से निशाने पर लिया गया है यूथ को दंगाई तालिबानी मानसिकता वाला बनाने की कोशिश है यह पूरी प्रक्रिया शुक्रिया भाषा और अंत में मैं भी इस मुद्दे पर अपना पंच आपके सामने रखना चाहूंगा आज मैं देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपको याद है जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था तो उसने क्या बातें कही थी पहली बात उन्होंने कही थी कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि जहां बाबरी था वहां नीचे राम मंदिर का कोई ढांचा या उससे जुड़े कोई सपूत हैं दूसरी बात उन्होंने यह कही कि आजादी के बाद जिस तरह से रामलला की मूर्तियां रखी गई थी वो पूरी तरह से गैरकानूनी था बावजूद इसके फैसला क्या आया आप और हम सब बखूबी जानते हैं ऐसे में जानना चाहता हूं कि सर्वे को लेकर जो अदालत ने फैसला सुनाया है इसका औचित्य क्या है राम मंदिर पर सुनाए गए फैसलों की पृष्ठभूमि में हमें इस सर्वे को देखने की जरूरत है तो इस मुद्दे पर यह था मेरा पंच तो आइए अब इस मुद्दे की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं शुरुआत में करना चाहूंगा उर्मिलेश आपके साथ उर्मिलेश मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो जज साहब हैं रवि कुमार दिवाकर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है वो कह रही हैं कि मेरी माँ और मेरी पत्नी मेरी जान को लेकर जो हैं बहुत चिंतित रहती हैं उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि उन्हें खतरा कहाँ से आ रहा है मगर हो क्या रहा है उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी तमाम मीडिया में इस्तेमाल कर रही है कि देखियो साहब जो व्यक्ति इस पर फैसला सुनाना चाहता है जिस सर्वे के खिलाफ मुसलमान हैं उसको जान को खतरा है सबसे पहले तो मुझे लगता है जज साहब को यह बताना चाहिए कि ये स्पेसिफिक किस तरह का उन्हें खतरा है क्योंकि इसका इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए कर रही है सर देखिए मैं समझता हूं कि माननीय जो न्यायाधीश होते हैं आ, उन पर हमारे समाज का जनता का बहुत भरोसा होता है क्योंकि जब कार्यपालिका से और सियासत के जो मंच हैं उनसे लोगों का भरोसा टूटता है तो वो न्याय की तरफ न्यायपालिका की तरफ जाते हैं ऐसे में जो न्यायपालिका को संचालित करने वाले लोग हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये साफ़ किया जाना चाहिए कि किस तरह के लोगों की तरफ से ये असुरक्षा का उनको एहसास हो रहा है और दूसरी बात यह है कि यह भी एक प्रश्न है कि क्यों इस तरह का सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाए जिसका दुरुपयोग कहीं दूसरे लोग ऐसे करें जिससे कि न्याय की प्रक्रिया स्वयं बाधित हो तो मैं समझता हूं कि इस पर विवेक संगत ढंग से न्याय संगत ढंग से और बेहद संजीदा ढंग से विचार विमर्श करना चाहिए भाषा हालांकि हम जब ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं तो आगे हम ताजमहल और कुतुब मीनार की भी बात करेंगे मगर एक ऐसे वक्त जब देश के सामने इतनी समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं एक, एक मुद्दे को ज्वलंत करना और आप और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से सांप्रदायिक तनाव वैसे ही पैदा करने की कोशिश की जा रही है मीडिया डिस्कोर्स के जरिए ऐसे में जब ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर यह सर्वे की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दो साल खासकर 2024 के लिए जो रास्ता जिसका जिक्र उर्मिलेश जी ने अपने पंच में भी किया था अस्थिरता और अगर मैं कहना चाहूं अराजकता की तरफ भी चीजों को ढकेला जा रहा है देखिए मुझे लगता है कि इसमें अराजकता ऊपर से दिखाई दे रही है लेकिन ये अंदर से पूरी तैयारी है एक बहुत सुनियोजित ढंग से क्योंकि हमें इस समय यह भी याद करना चाहिए अयोध्या का जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मथुरा काशी की बात अब नहीं होगी इट्स अ फुल स्टॉप ठीक है लेकिन अब आप जी ने भी कहा था उन्नीस सौ में आपको याद होगा कि हम तो और किसी की और बात किसी की बात नहीं करेंगे तो ये जो सारा का सारा डिजाइन अभी दिखाई दे रहा है दो तो है ही फिर दो भी है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर जो उसकी एम्बिशन है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पूरी प्रक्रिया है जो न्याय कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है कोर्ट को जिस तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है तो उससे ऐसा लगता है कि जितने भी लोकतंत्र के खंबे हैं जिसमें एक बहुत अहम खंबा हम भी हैं मीडिया तो मीडिया से एक दुष्प्रचार जारी है कि एक के बाद एक ताजमहल में ये हो रहा है वो 20 दरवाजे दिखाई दिए जा रहे हैं और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटियां तो बल्ले बल्ले कर ही रही हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में बता रही है कि लोकतंत्र के जितने खंबे हैं उन सब का इस्तेमाल देश को एक सुनियोजित ढंग से नफरत की राजनीति में ले जाकर आप मुसलमानों के खिलाफ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं हम आप तमाम लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि दोष का संविधान बचा रहे देश का जो जमहूरीत है वो बची रहे उसको बचाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ टारगेटेड है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर चेंज करने की बात है मैं उन लोगों से बात करके आप देखिए जो हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे वो सॉफ्टवेयर चेंज है वो चाह रहे हैं कि हम ऐसा करके आधे लोगों को हनुमान चालीसा नहीं याद थी हमें याद है हमने देखा तो ये जो दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म को ये नया नहीं है लेकिन अब वो स्टेट मशीनरी के थ्रू है और दूसरा उसका पॉलिटिकल फायदा जिस तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से ध्रुवीकरण होना चाहिए और ये बताना कि सारे जो हिंदू हैं वो 2001 वाला जो तालिबान था उस अटायर में आ रहे हैं ये इसकी तैयारी है एक चीज और कहूंगी अभी सर आपने जज साहब की बात की एक जज को देश ने खोया था जस्टिस लोया को वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए अभी हमारे पत्रकार साथी ने किताब भी लिखी है जस्टिस लोया हु किल जस्टिस लोया तो आप ये देखिए कि जहां पर जिस देश में जजों के ऊपर जब हमला होता है जब जजों की मौत होती है और यहाँ पर यह जज बिना किसी प्रमाण के तमाम पत्रकार आपसे लेके तमाम लोग सारे लोग बात करते रहे ना कि हमले हो रहे हैं कॉल्स आ रहे हैं ट्रोलिंग हो रही है वहां कोई बात नहीं होती लेकिन यहां पर सीधे सीधे यह बोलना कि हम मेरी जान को खतरा है यानी आप बता रहे हैं कि मुसलमान आपकी जान को खतरा दे रहे हैं और उससे एक संकेत देना कि हम फैसला क्या करने वाले हैं मुझे सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसमें फैसला क्या करने वाले हैं यह भी इम्प्लिसिट हो गया कि लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा आज हम बात सिर्फ ज्ञान व्यापी की नहीं कर रहे हैं ताजमहल और कुतुब मीनार की भी कर रहे हैं मैं आपसे जान, बात जानना चाहता हूं जब कोई विदेशी सैलानी इस देश में आता है तो आप जानते हैं इनमें से कई लोगों की पहचान भारत की पहचान ताजमहल के जरिए देखी जाती है कुतुब मीनार के जरिए देखी जाती है उस कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था उस कुतुब मीनार के बारे में कहा जा रहा था कि भाई यहां विष्णु स्तंभ है ये तमाम चीजें हो रही थी सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने बच्चों को इन तमाम तस्वीरों के जरिए आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं और यह अपने आप में मुझे लगता है ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों की बहस नहीं है उर्मिलेश मैं यह जो सबसे चिंतित करने वाली बात है कि प्रोपगैंडा का स्तर क्या बन चुका है आ, देश के सामने अब कल ही की समस्या है कि खुदरा महंगाई दर सात दशमलव सात नौ फीसदी है

आ, आ, उनका रूप इतना भयानक है कि उनको एड्रेस करने का इनके पास कोई विजन नहीं है कोई दृष्टि नहीं है इस सरकार में इसके योजनाकारों में कोई अंतर्दृष्टि नहीं दिखाई देती इसके लिए उपाय क्या है इसके लिए उपाय है कि लोगों को इन्हीं चीज़ों में फंसाया जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी ट्रेजडी केवल ये नहीं है कि लोग अपने असल मस मसलों को भुला दें यह भी एक है खासकर इस देश के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि उनके धर्म का अमानवीकरण किया जा रहा है मैं कुछ बेसिक सवाल धर्म को लेकर उठाना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि हनुमान चालीसा आजकल उपद्रव के लिए कहीं तनाव फैलाने के लिए वहाँ पढ़ने का आह्वान किया जा रहा है आप जानते हैं जब मैं बच्चा था तो हम लोगों के स्कूल दूर होते थे बागीचे दूर होते थे तो जब अंधेरा हो जाता था कि नहीं कारणों से बगीचे से लौटने में तो गांव में बच्चे आपस में कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो भूत भाग जाएगा यानी भूत वगैरह को लेकर उसमें कहानियां प्रचलित थी तो हम लोग बच्चे जो थे वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे यानी कि हनुमान चालीसा का इस्तेमाल भूतों को डराने के लिए होता था आज का इस्तेमाल मैं वही को डराने के लिए आज आज देखिए कि जो एक हनुमान की छवि हमारे यहाँ अगर हनुमान की जो एक धार्मिक छवि है एक जो देवता की छवि है वो क्या है लोगो पकारी है लोको पकारी मतलब आम जन या इस समाज या लोग को एक सहायता करने वाले संकट मोचन संकट मोक संकट ख्याल से आज संकट बढ़ाने के लिए संकट पैदा करने के लिए आप हनुमान जी के चालीसा का दुरुपयोग कर रहे हैं और यह मैं समझता हूं कि हिंदुत्व जो है, वो हिंदु के खिलाफ के बयान का है, करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी इसी हफ्ते। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की और भगवान राम की जब आपके सामने छवि आती खासकर हमने बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक सौम्य छवि मगर अब उसे आप एक मिलिटेंट छवि में सिक्स पैक एब्स में बदल रहे हैं हनुमान जी को आप सिक्स पैक एब्स में दिखा रहे हैं गुस्से में एक एक जो जो रौद्र हनुमान का हनुमान का के के पीछे के पीछे कारों, जी आ, की छवि हाँ। उकेरी गई है आप पता लगाइए किन लोगों ने उकेरी है वो छवि हर जगह हनुमान जी की वो छवि अरे हनुमान जी की तो वो छवि है जो अपने हाथ पे एक पर्वत की पूरी की पूरी पर्वत के पूरे टुकड़े को लेकर चल रहे हैं ये छवि लेकिन दुख की बात यह है ना कि हम आप तो ये मान रहे हैं लेकिन इस समय जो बड़े पैमाने पर जिस तरह से दोनों प्रतीकों को एक मिलिटेंट हिंदू सेनानी के तौर पर उतार दिया गया और इन्हीं के नाम पर क्योंकि हम आप कहें कि ये छवि थी लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम है और दूसरा इसकी एक लंबी प्रक्रिया है जो नब्बे के दशक से शुरू हुई वाक्य में एक, मैं, मैं, मैं मैं मैं, एक वाक्य में मैं अगर अपनी बात कंक्लूड करूं तो मेरा मेरी ये एक धारणा है और ये सोच है कि जो मौजूदा हिंदुत्ववादी हैं वो हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं बहुत अब संक्षिप्त में इस वाले सेक्शन को खत्म करने से पहले ताज के बारे में बात कहना चाहता हूं जैसे कि आप जानते हैं कि ताजमहल पर कल फैसला सुनाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में मांग ये थी कि 22 कमरे खोले जाएं क्योंकि यह माना जा रहा है कि उसके नीचे तेजोमाल है जज साहब ने तल्ख तेवर अपनाते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई मगर एक दूसरा पहलू था भाषा भाजपा की सांसद राजसमंद से दिया कुमारी ये कहती कि हमारे पूर्वज थे मानसिंह जय सिंह उनकी जमीन थी और उनसे शाहजहां ने वो जमीन छीन ली अब जन, ना जनता ना मीडिया दिया कुमारी से ये सवाल पूछ रहा है कि इनकी जिन पूर्वजों का वो जिक्र कर रही थी दोनों शाहजहां औरंगजेब से परसलार थे मुगलों के साथ थे और उन्होंने राणा प्रताप और शिवाजी के खिलाफ जंग छेड़ी थी वो दो चेहरे जो हिंदुत्व के दो बड़े ब्रांड्स हैं तो दिक्कत यह है है कि ये जो बाते ये जो बातें हैं विरोधाभास साफ तौर पर दिखाई भी देता है और इस विरोधाभास को संबोधित करने में ना मीडिया मदद कर रहा है और प्रचार तंत्र तो चाहता ही नहीं है कि इस विरोधाभास को संबोधित किया जाए जी और दूसरा मुझे लगता है कि तर्क के परे चीजें मतलब आप आस्था की बात हर चीज में आस्था ले आते हैं और बोलते हैं कि यहां नहीं आपकी जमीन थी आपका घर था अगर वो घर मैंने खरीद लिया मेरे पास है आप क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन आके मुझसे कहेगी कि नहीं ये घर मेरा था सवाल ताज है ताजमहल है ताजमहल जब से है उसकी एक हिस्टोरिकल एविडेंस है किसने बनाया कब बनाया पूरी क्रोनोलॉजी है ना आपके सामने है और मुझे दूसरी चीज एक अभिसार लगती है कि भारत देश की जो खूबसूरती रही हम आप बगल में बैठ सकते हैं आपका धर्म कुछ हो सकता है मेरा धर्म कुछ हो सकता है यहाँ मस्जिद हो सकती है यहाँ मंदिर हो सकता है यहाँ चर्च हो सकता है ये भारत की खूबसूरती रही इसे नफरत में बदल के ज्ञान व्यापी में यह बताया जा रहा है कि यह नफरत की चीज है अरे वो तो बेवकूफों अमन की चीज है बिल्कुल जहां मंदिर और मस्जिद बगल बगल में है और दोनों जगह प्रैक्टिसिंग है तो ये जो साझी विरासत की खूबसूरती है उसे नफरत में तब्दील करने की जो साजिश है वह सबसे खतरनाक और टाइम मशीन में पूरे देश को पीछे ले जा रहा है सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत पीछे जा रहा है अब हम रुक करना चाहेंगे अपने अगले विषय की ओर वो है राजद्रोह को लेकर मोदी सरकार का धर्म संकट जैसे कि आप जानते हैं राजद्रोह यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124 ए को लेकर अदालत ने फैसला सुनाया वो फैसला क्या है वो फैसला ये है कि जब तक मोदी सरकार इस पर कोई पुनर्विचार ना कर ले तब तक इसका इस्तेमाल किसी पर नहीं होगा और न सिर्फ ये बल्कि जिनके खिलाफ ये हुआ है उनके पास अब अपील करने का भी अधिकार है अब इसमें मोदी सरकार भी फंस गई है क्योंकि आपको याद होगा 2019 के चुनावों के दौरान मोदी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लताड़ लगाई थी कि ये लोग सीडिशन लॉ में परिवर्तन करना चाहते हैं पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं तमाम चीजों की बात की गई थी अब मोदी सरकार भी वही बात कर रही है तो धर्म संकट है मोदी सरकार के सामने क्या है इस खबर का पंच आइए सबसे पहले सीधे रुक करते हैं भाषा का देखिए अभी सर मेरा मानना है कि जो अभी सिडीशन पर आया है आ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है जिस तरह से उसने साफ कहा इससे एक राहत बहुत तगड़ी मिली है वह राहत यह है कि अभी तक सिडिशन को जिस तरह से तमाम लोगों पर जो लोग भी सरकार से कोई असहमति रखते थे कोई सवाल उठाते थे चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो हमने देखा विनोद दुआ जी किस तरह से उनके ऊपर जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनको पूरी तरह से घेरा गया था ये सारा जो माहौल बना दिया था वो इतना ज्यादा बर्बर और इतना खुला खेल हो गया था कि अगर अभिसार शर्मा कुछ बोलते हैं उर्मिलेश जी कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर डर है कि कब सिडिशन लग जाए हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि पूरा जो मामला शुरू भी हुआ था जिसको चैलेंज किया लेटेस्ट पिटिशन उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं उनको घेरा गया था इससे एक राहत मिली है कि सिडिशन का इस्तेमाल गलत ढंग से नहीं हो सकता देखना बस ये है कि सिडिशन के साथ साथ जो बाकी केसेस लगते थे उनका क्या होगा सिडिशन से लोग बाहर कैसे आएंगे इस मुद्दे पर क्या है खबर का पंच उर्मिलेश? अभी सर देखिए 1833 का ये जो कानून है ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत के स्वाधीनता सेनानियों के खिलाफ या भारत में प्रतिरोध की कोई आवाज ना उठे इसके इंतजाम इंतजाम के लिए ये कानून लाया था और हमारे देश में जब स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ तो अठारह सौ से ही इसका लगातार इस्तेमाल हुआ पहले गांधी जी पर हुआ था गांधी जी पर छह साल की कारावास उनको सजा सुनाई गई थी तिलक पर हुआ अनेक लोगों पर हुआ लेखकों पर भी हुआ दिलचस्प बात यह है लेकिन ये सभी वे लोग थे जो स्वाधीनता आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे एक अंतर आया हमारे स्वतंत्र भारत में कि अब ऐसे असंख्य लोगों पर यह कानून थोपा गया है जो कहीं स्टेट से लड़ नहीं रहे थे सिर्फ असहमति जाहिर कर रहे थे और वह भी स्टेट से नहीं कई बार सरकारों से कई बार सरकार चलाने वालों से तो असहमत लोगों के खिलाफ इस तरह का राजद्रोह का कानून लाना मैं समझता हूं भयावह है और दिशा आपको याद होगा एक लड़की थी दिशा रवि उसका कसूर क्या था किसान आंदोलन के पक्ष में कुछ बातें और उसको पता नहीं टोल किट ये वो पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहा गया तो ये जो फैसला है ये खैर मकदम इसका किया जाना चाहिए निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये मेरी राय है आपकी क्या राय है अभिषार आपकी क्या सोच है इस खबर पर मेरा पंछी है दोस्तों मैं इस देश की मीडिया को कटघर में रखना चाहूंगा मैं नहीं भूला हूं इस वक्त सोशल मीडिया पर कई वीडियोस तैर रहे हैं आपको याद होगा 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने कहा था कि हम इस पर तब्दीली लाना चाहते हैं उस वक्त न्यूज न्यूज 18 के 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 पत्रकार के पत्रकार पत्रकार जी रिपब्लिक तमाम लोगों ने पानी पी, पी कर गालियां दी थी कांग्रेस को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में उसका जिक्र किया था मगर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि हम इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो कोई उन्हें कटघरे में नहीं रख रहा है किसी का इतना मजबूत चरित्र भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड पर उन्हें कटघरे में रखे इतनी कमजोर हमारी मीडिया है खैर आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाषा में आपसे पूछना चाहता हूं मोदी सरकार के दोहरा मापदंड तो हम साफ तौर पर देख ही रहे हैं। मगर डर यह है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आप और हम बखूबी जानते हैं वो हृदय परिवर्तन इसलिए है कि सरकार हाथ में अपना एक औजार रखना चाहता है जिससे वो अपने विरोधियों को परेशान कर सके डर ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पोटा की जगह यूएपीए लेकर आई थी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उसी तरह से के जरिए कहीं मोदी सरकार कोई और खतरनाक औजार ना लेके आ जाए जो 1870 के sedition कानून से भी खतरनाक हो क्या आशंका आपके मन में है? देखिए मेरा तो मानना बहुत साफ है कि अभी जो हाल है पिछले सात आठ साल अगर आप उठा के देखिए जितने लोगों पर भी सिडिशन का भी लगाया है इन्होंने केस जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला सुनवाई के दौरान आया सबके ऊपर सिडिशन के साथ साथ यूएपीए लगा हुआ है बाकी जो कश्मीरी लोग एक्टिविस्ट या पत्रकारों के ऊपर मामला लगा है वहां पर दूसरे ढंग के जो खौफनाक कानून है वो लगे हुए हैं तो ये आशंका तो बहुत साफ है और ये करते हुए दिखाई दे रहा है कि आप अब जो अब द लॉ वाला है ना कि सब कुछ लॉ के ऊपर कानून की जरूरत नहीं तो ये वाला जो पूरा माहौल पिछले सात आठ साल में बना है उसमें हालांकि सिडिशन का इस्तेमाल इतना ज्यादा इन्होंने कर दिया था दुरुपयोग इतना ज्यादा था कि सुप्रीम कोर्ट आ, रुक रुक के तमाम बातें बोल रहा था आ, सरकार अदालत तक पहुंच नहीं रही थी जवाब नहीं दे रही थी उसमें खींच भरे स्वर में आप देखिए ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है ये एक नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं आया है लंबे समय से वो इंतजार कर रही थी कि अदालत में सरकार कोई जवाब दे तो एक बात बहुत साफ है कि उनके दिमाग में बैठा है कि हमारे पास बाकी चीजें तो है ही और अभी तक जिस तरह से उन्होंने बुलडोज किए हैं तमाम खौफनाक कानून तो उसमें जो आशंका ये जाहिर की जा रही है कि दूसरा ले आएंगे तीसरा ले आएंगे या मौजूदा कानूनों को इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे वो बहुत साफ है लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि सिडिशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इससे कम से कम यह राहत मिलती है कि अदालत कभी कभी ही सही लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे अन्याय है उस पर आंखें खोलती है और हस्तक्षेप करती है और कुछ लोगों को तो राहत इसमें मिलेगी क्योंकि बहुत स्पष्ट किया है कि आगे केस सिडिशन में नहीं लगेगा आगे मैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा देखिए कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इससे कुछ दाग भी जुड़े हो मैं आपको सिर्फ तीन मिसाल देना चाहता हूं मिसाल नंबर एक डॉक्टर कफील खान उन पर भी रासुका लगाया गया था अभी कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो केस में जीत गया हूं मगर आज भी लोग मुझे आतंकवादी बताते हैं विनोद दुआ स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ यह केस करना और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कोने में बैठा हुआ कोई छुटभिया नेता इस तरह से इसका दुरुपयोग होता था और सबसे शॉकिंग इन तीन मामलों में सबसे शॉकिंग और मैं बात पत्रकारों की कर रहा हूं इस वक्त गुजरात का एक पत्रकार उसने जानते हैं क्या लिखा था उसने सिर्फ इतना लिखा था कि विजय रूपाणी को हटाया जा सकता है और उनकी जगह एक अन्य व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है सिर्फ इस मुद्दे पर

पब्लिक सेफ्टी जो बिल है वहां का जम्मू कश्मीर का उसी तरह के ड्रेकोनियन लाज जहां चाहे वहां लागू किया लागू किया जाए तो हमारा ये कहना है आपने विनोद दुआ का नाम लिया ही ऐसे असंख्य गुजरात के उस पत्रकार का बिल्कुल ये देखिए मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने सभ्य डेमोक्रेसीज हैं, जितनी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं, मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, वहां इस तरह के कानून का कोई औचित्य नहीं स्वयं ब्रिटेन ने थोड़ा लेट जरूर किया लेकिन 2010 में उन्होंने सिडिशन लॉ को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया पूरी तरह तो मेरा यह कहना है आ, कि अभिसार कि ये जितने ड्रेकोनियल लॉज हैं हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है लेकिन ये ये जो आईपीसी सीआरपीसी में जितने खतरनाक कानून हैं पूरी दुनिया में किसी डेमोक्रेसी में इतने नहीं है और तानाशाही की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोकतंत्र अगर अगर आबाद है तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं मोदी सरकार के रहते दो से लेकर दो के बीच में लॉ के इस्तेमाल में राजद्रोह के इस कानून के इस्तेमाल में 160 फीसदी की उछाल आई थी और मुश्किल से कन्विक्शन तो मुझे यही डर है कि जो नया चेहरा आने वाला है वो कितना भयानक होगा नहीं और दूसरी बात ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कन्विक्शन जब कन्विक्शन नहीं होता है लोग बाहर आते हैं तब यही जो मीडिया है जो इस समय बम कर रहा है सिडिशन वाले पर एक व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाता है यही उनको तो पहले कफ... आतंकवादी आप घोषित कर देते दे कफील हैं। कह रहे लगातार, थे लगातार कफील कह रहे कि हैं। मैं जीत गया केस बावजूद उसके मुझे आज भी लोग आतंकवादी आतंक कहते, कहते हैं मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए न्यायालयों की तरफ से Uh, जैसे माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है इनकी तरफ से जो भी इंटरवेंशन होते हैं जो भी फैसले आते हैं ये इनका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन इससे हमारी डेमोक्रेसी नहीं बचने वाली है डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब हमारी आवाम में हमारे समाज में इसको लेकर लोगों में जागृति नहीं आती मोबिलान नहीं होता लोग खड़े नहीं होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप देख लीजिए जब पूरी डेमोक्रेसी को डिरेल कर दिया गया था तब भी वहां की कोर्ट से कई अच्छे फैसले आते थे लेकिन इससे डेमोक्रेसी उनकी मजबूत नहीं होगी नहीं।, नहीं हो गई आज भी इंडेक्स में वो बहुत पीछे हैं डेमोक्रेसी के लेकिन अपने देश में जब फैसले इस तरह से आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक नहीं होगा अनलेस की लोग नहीं बदलते लोगों का दिमाग नहीं हम हम तो हम तो चिंता जाहिर कर ही है। रहे हैं ठीक है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी दमन का प्रतीक हो गया है बुलडोजर और वही है आज की हमारी तीसरी खबर खबर क्या थी जैसे कि आप जानते हैं शाहीन बाग में बुलडोजर चला नुकसान कुछ नहीं हुआ उल्टा मैं नहीं भूला हूं एक रंग रोगण का फ्रेम था एक दुकान के बाहर और वो इसलिए लगाया गया था कि वो व्यक्ति अपनी दुकान की पेंटिंग कर सके मगर अवैध निर्माण के नाम पर उसे भी हटाया जाने लगा सबसे शर्मनाक था मीडिया का किरदार जो बुलडोजर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था एक छोटी सी खबर मगर उसे इस कदर बड़ा करके पेश किया गया यह हमारी तीसरी खबर है क्या है इस खबर का पंच शुरुआत करते हैं उर्मिलेश से अभी सर मैं समझता हूं कि यह लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ है क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति किसी भी परिवार किसी भी समूह के खिलाफ अगर बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं उनके घर उनके किसी व्यक्ति के किसी आचरण के कारण किसी आपराधिक कार्रवाई के कारण किसी आरोप के कारण तो आप तबाह कर डालते हैं पूरे के पूरे परिवार को पूरे के पूरे समाज को और यह कम से कम मैं समझता हूं कि कोई कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता यह मेरा मानना है और दूसरी इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि यह जितने बुलडोजरों का इस्तेमाल हुआ है ये माइनॉरिटीज के खिलाफ हुआ है उत्पीड़ित समाज के लोगों के खिलाफ हुआ है दलित लोगों के खिलाफ हुआ है पिछड़े लोगों के खिलाफ हुआ है जी चलिए क्या इस खबर का पंच जानते हैं भाषा का नजरिया है कि यह मोदी जी का जो नया भारत है जो नया भारत वो बनाने की बात करते हैं उसका नया चेहरा है बुलडोजर। उसका नया चेहरा है यह बुलडोजर पे चढ़ी हुई सत्ता और सत्ता के साथ कदम ताल करता हुआ मीडिया नया नॉर्मल है भारत का और शायद सबसे बड़ा खौफनाक चेहरा यह है कि इस बुलडोजर ने देश के तमाम कानूनों को धता बताते हुए एक बात बहुत साफ कर दी है कि जब भी बुलडोजर आएगा वह गरीब पर जाएगा मुसलमान पे जाएगा दलित पे जाएगा भारत के उन तबकों में जाएगा जिनकी पूछ कॉरपोरेट मीडिया में नहीं होती जहां मीडिया चाहता है कि उनका घर गिर जाए जी अभिशार अब आप यह बताइए कि आपका पंच क्या है बुलडोजर पर शुक्रिया भाषा आपने कभी इस बात पे गौर किया है ये बुलडोजर कभी भी सत्ता से जुड़े अपराधियों पर नहीं चलता है यानी कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया सत्ता के करीब है उन पर नहीं चलेगा क्योंकि बार बार क्या कहा जाता है कि बुलडोजर चलेगा अत्याचारियों पर माफिया पर मगर कभी भी उस माफिया पर नहीं चलता जो सत्तारूढ़ पक्ष पर है आप किसी भी राज्य में देख लीजिए या फिर उन लोगों के खिलाफ जो कि उस राज्य के अग्रणी लोग हैं प्रभावशाली लोग हैं इसलिए बुलडोजर बेशक एक जरिया है लोगों पर अत्याचार करने का मगर इस मुद्दे पर मेरा पंच यहां पर यह है कि बुलडोजर एक कायर सोच है एक सरकार की कायर सोच का प्रतीक परिणाम परिचायक सीधी सी बात है तो चलिए इस खबर को आगे बढ़ाते हैं उर्मेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे शॉकिंग बात मीडिया एंड बुलडोजर पर सवार होकर सवारी करता है मैं नहीं भूला हूं जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था तो एक मोहतरमा थी जो एक न्यूज चैनल से जुड़ी हुई हैं दहाड़ दहाड़ के बोल रही थी अभी बुलडोजर सब पे चलेगा चाहे मस्जिद हो या जूस कॉर्नर मैं नहीं भूला हूं एक आम व्यक्ति वहां पर बोल रहा था कि मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है आप क्यों नहीं उसे कुछ बोलती यानी कि एक आम इंसान एक पत्रकार को बता रहा है कि भाई हकीकत यह है आप भी जानते हैं, उन्नीस सौ के लॉज हैं डीडीए के वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप कहीं पे बुलडोजर चलाते हैं तो आप वहां पर लोगों को पहले पुनर्वास कीजिए उनका उन्हें वार्न कीजिए पहले चेतावनी दीजिए और उसके बाद आप यह सब कर सकते हैं इन तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई और मीडिया इसे संबोधित करने की बजाय चेयर लीडर बन गया अभी सर मैं समझता हूं कि जब किसी देश के प्रांतीय या केंद्रीय चुनाव में बुलडोजर जैसे एक हथियार का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पे किया जाए चुनाव प्रचार के तौर पे उत्तर प्रदेश जी लोगों को आकृष्ट करने के लिए किया जाए कितना खतरनाक वो मंजर है ये, ये जो विडंबना है इस विडंबना को मैं सामने ला रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक श्रोता समझें कि उनके देश के साथ कैसा मजाक किया जाए बुलडोजर माई जा। नहीं भाषा नहीं भया बिल्कुल भाषा जिक्र किया उर्मिलेश ने उत्तर प्रदेश के चुनावों का और जो वो बुलडोजर मॉडल सफलता से उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया गया उसी का अनुसरण शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री करते हैं जिनकी हाँ, वो, वो इस्तेमाल किया है कोई कानून ना इसकी इजाजत नहीं देता अभी हमारी सोच का हिस्सा हो गया है। जी देखिए मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी आपने प्रदेश की बात की प्रदेश में एक प्रेमी युगल शादी करता है हिंदू मुसलमान के बीच शादी है उस शादी को किस तरह से आपराधिक बनाया और उसमें जो वहां का डीएम है वो बाकायदा ट्वीट करते हुए कहते हैं कि यहां पर हम बुलडोजर चलाएंगे इस व्यक्ति का मकान करेंगे करते हुए फोटो है यह सब कुछ सौ फीसदी गैर कानूनी कार्रवाई सरकारी मशीनरी के तहत की गई कहीं से किसी को हंगामा किसी को दुख नहीं हुआ दूसरी बात जो इसमें है कि इसमें एक जो त्वरित न्याय वाला जो hmm. हम पहले से चर्चा कर चुके हैं गाय के नाम पे रक्षक जो उतरते थे भीड़ में जरा सा गमछा डालकर और कहते थे कि हमें मारने का हक है hmm. आज की तारीख में देखिए जो पुलिस मशीनरी है जो सरकारी मशीनरी है वह इस भूमिका में आ गई है इंस्टेंट जस्टिस इंस्टेंट ऑफिस की तरह भाषा आप ये नहीं मानेंगे जस्टिस आप बांट रहे हैं और आपको कोई चेक नहीं है आप ये नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए भारतीय समाज में भी विजिलेंटे जस्टिस हम सब सुपरहीरोज की तलाश करते सिर्फ भारतीय समाज नहीं वर्ल्ड ओवर तो मुझे लगता है कि सरकार उस डार्क फैंटेसी को स्कली सोच को भी केटर करती है जब वो जो बुलडोजर मॉडल का की बात करती क्योंकि है क्योंकि अब देखिए सारी जगह पर चाहे वो तेलंगाना से आया हुआ एक विधायक हो जो जाके उत्तर प्रदेश में बोलता है कि तुम सब पे बुलडोजर चलेंगे निगाह रखी जा रही है बुलडोजर आएगा और उसके बाद जिस तरह से इसके इर्द गिर्द एक पब्लिक कॉन्शियसनेस मतलब लोगों को कहना है कि यह न्याय यही है तुरंत न्याय चाहिए यह न्याय उन कोठियों पर नहीं है आप देखिए दिल्ली में दिल्ली में आपने दो वाक्य बताए अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी बुलडोजर चल रहा है सैनिक फार्म्स पे कभी बुलडोजर नहीं चलेगा मीडिया घरानों पर जहां पे वो तमाम तरह के इंक्रोचमेंट किए हुए हैं वहां नहीं बात होगी लेकिन बात वहां पर होगी जहां पे गरीब की बस्ती और उन गरीब में आज की तारीख में वो मुसलमान गरीब है लेकिन कल को बाकी गरीब भी बिल्कुल उर्मिलेश मुझे लगता है ये जो बुलडोजर मॉडल है ये दंगा फैलाने का भी एक जरिया है सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर मसलन न्यूज का वो पत्रकार जिसने ये झूठी खबर चलाई कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो उसके जवाब में राजस्थान के अलवर के 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया उस आदमी ने अपने दर्शकों को यह नहीं बताया कि जिस नगर ने वो आह्वान किया था वो ऑर्डर दिया था उस नगर पालिका के 95 परसेंट लोग भाजपा से थे मगर देखिए कितनी खतरनाक और, बात थी और, और, और इंसिडेंट पहले था, था।, से पहले, था। पुरी, पुरी से पहले था भाई जहांगीर पुली पुरी से पहले हुआ था अलवर का तो ये बुलडोजर जो है न सिर्फ लोगों पर ज्यादती मगर दंगा भड़काने का भी एक जरिया हो गया है बिल्कुल और मैं समझता हूं अभी सर की बुलडोजर को लेकर ये जो ट्रेंड है आपने देखा होगा इमरजेंसी के दौरान भी बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया था मैं चूंकि मैंने इमरजेंसी को देखा है तो उस वक्त भी किया गया था निरंकुशता जब भी देश पे डोमिनेंट होती है बहुत ज़्यादा ताकत पाती है तो ये बुलडोज़र इस तरह के जो हथियार हैं इनका इस्तेमाल खूब होता है अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसने कहा कि जहाँ से पत्थर आएंगे हम उसको नेस्तनाबोद कर देंगे यानी उस घर को उस परिवार को निश्चनाबोध कर देंगे यही कहना चाहते हैं आप ये कहाँ का, का कानून है आप अगर मान लीजिए कोई पत्थर चला रहा है वो गलत कर रहा है निश्चित रूप से वो गलत कर रहा है कानून है कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि इस देश में कानून की व्याख्या करने वाली संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से भी कमजोरी है यह न्यायपालिका की भी कमजोरी है कि कार्यपालिका और राजनीति में बैठे हुए लोग जो चाहे जैसी चाहे वैसी कानून की और बहुत, बहुत बहुत मैं बिना न्याय किसी व्यक्ति पर किसी न्यायाधीश पर टिप्पणी किए बगैर कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायपालिका भी खामोश की जा रही है बिल्कुल न्यायपालिका इसमें पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना एक्टिव होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए प्रोएक्टिव होना चाहिए वो नदारत है बहुत बहुत शुक्रिया भाषा आपका उर्मिलेश तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा कि इंडिया की बात हमारा नया शो आपको कैसा लगा और हमारा वादा है हर हफ्ते इसी तरह से उस हफ्ते की तीन बड़ी खबरें लेकर हम आते रहेंगे मेरे साथ सफर में रहेंगे भाषा और उर्मिलेश हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज क्लिक पर इसी तरह से हमारी बाकी खबरें भी देखते रहिए नमस्कार